तो यहाँ पर क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी क्या चीजें, मैंने बोला कि डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, फॉग हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती है, क्लाउड्स हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर बिखरे हुए हैं, एम्बेडेड, ठीक है, तो वो इजीली किस क्या कर सकते हैं, स्कैटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल की साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है। यहाँ पे तो अपन नैनोमीटर बात करें, ठीक है, हाँ मॉलिक्यूल की बात करोगे उनकी साइज जरूर नैनोमीटर होगी या बहुत कम साइज होगी, लेकिन डस्ट पार्टिकल, फॉग पार्टिकल हो गया या वाटर ड्रॉपलेट्स हो गई, वो तो इजिली क्या होती है, बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे स्कैटरिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर एटमोसफेयर के अंदर तो टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल तुमको देना है, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब आप फॉरेस्ट जाते हो तो जब डेंस लीव लीव्स वगैरह जो होती है लीव्स के बीच में से करके सनलाइट पास आउट नीचे और सरफेस पे आ रही होगी, वो लाइट पाथ विजिबल हो जाती है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से, सेम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। दूसरा अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई एक क्लोज रूम है, कोई विंडो वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, उसके अंदर अपन ने स्मोक डाल दिया है, ठीक है, बहुत सारा तो फायर लगाई और बहुत सारा स्मोक उसके अंदर फट गया है, और फिर कहीं छोटे से होल अप से अपन उसमें से लाइट होल से लाइट पास आउट करा रहे हैं, तो वो लाइट का बाहर भी अपन को क्या होता है, विजिबल हो जाता है। वहां पर क्या काम कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, कौन काम कर रहा है, स्मोक कर रहा है, स्मोक पार्टिकल्स कर रहे हैं जो इसीलिए क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट का पार्ट अपन को विजिबल हो गया। ये दो एग्जाम्पल आप टेंडल इफेक्ट में डाल सकते हो। नेक्स्ट देखो कि एटमोसफेयर के अंदर ये जो चीज है, रेनबो स्काई का कलर ब्लू क्यों है, यहाँ पर लाइट का भाई रेड क्यों है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सनलाइट होगी उस सनलाइट का क्या होगा, शेडिंग होगा, पर सनलाइट जो है वो तो किससे बनी है, इन कलर से बनी है, प्योर से बनी है, तो इन अलग अलग कलर्स की लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, ये तुमको मैं पढ़ा चुका कि भाई इन सब की वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है, सबका वेवलेंथ अलग अलग है, तो वेवलेंथ के ऊपर स्कैटरिंग कैसे डिपेंड करती है वो भी देख लो। मैंने क्या बोला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, हाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ऑल्सो इनवर्सली, वहां पे क्या बोला था मैंने, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो दैट्स व्हाई अपना जो वायलेट कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है, तो सेम एज इट स्कैटरिंग के लिए भी है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी उस लाइट की सबसे ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे शॉर्ट होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वॉयलेट या ब्लू या ये जो तीन कलर है ये क्या होंगे, सबसे ज्यादा स्कैटर होंगे, स्कैटर मोस्ट, ठीक है, और बाकी के बचे ये तीन जो इधर वाले जो कलर्स हैं इनकी स्कैटरिंग, इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो ये इसीलिए क्या कर सकते हैं, उन पार्टिकल से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स की शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से वो पार्टिकल से डेविएट होते रहते हैं, टकराते रहते हैं, ठीक है, टकराएंगे तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो दैट्स व्हाई इनका जो स्कैटर है वो सबसे ज्यादा है, स्कैटर लेस, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्केटर होते हैं, सबसे कम स्केटर होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है इनका जो लैम्ब्डा है वो सबसे ज्यादा कम होता है और इनका जो लैम्ब्डा होता है वो ज्यादा, ठीक है, तो ये ही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यही है, अब यही कॉन्सेप्ट अलग अलग रीजनिंग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है, तो भाई कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए जैसे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो तुम वहां पे तो लिख दो कि कहां सिंपल सा स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, बट इतना समझाना नहीं, समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से लाइट का स्कैटरिंग वहां पे हो रहा है, किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, कम पूरा एक्सप्लेन करोगे तभी तो जाके आराम से 5 से 10 लाइन का आंसर बनेगा, लिखना नहीं है, एमसीक्यूज है, फिर भी एमसीक्यूज में भी तो डायरेक्ट रीजन पूछ सकते हैं कि भाई क्यों भाई ब्लू कलर स्कैटर होता है, रेड कलर क्यों नहीं होता, तो वो वहां पे ऑप्शंस में आ जाएगा कि हाँ भाई इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, रीजनिंग क्वेश्चंस के फॉर्म में भी तो एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हर एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारा बात समझ में आए कि स्कैटर ये क्यों मोस्ट हो रही है, लेस क्यों हो रहे हैं, इनकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, वेवलेंथ के डायग्राम भी मैं तुमको बना के बता देता हूँ कि भाई अगर आप रेड कलर की वेवलेंथ बनाओगे, रेड लाइट के वेवलेंथ बनाओगे तो क्या है वेवलेंथ, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव
प्लस लैम्ब्डा बहुत ज्यादा है एज अ रेड कम, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे तो वो पार्टिकल्स के बीच में से इजीली पास आउट हो जाएगा इतना बड़ा लाइट है रेस्ट, ठीक है। बट ये क्या होता रहेगा, ब्लू लाइट अगर मैं बना हूं तो ब्लू लाइट, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, डेविएट होती रहेगी, किसी भी डेविएट हो जाएगी पार्टिकल से बीच में जब एंटर होगी तो, तो दैट्स व्हाई इसका जो डेविएशन होता है, इसके जो स्कैटरिंग होता है ज्यादा होता है इससे कम हो, इसकी वेवलेंथ देखो इतनी सी वेवलेंथ, ये रेड लाइट और ये तुम्हारी ब्लू लाइट मान लो या वायलेट लाइट मान लो, समझ में आ गई बात। तो अब इसके इस रीजन से एटमोस्फेयर या स्काई जो है उसका कलर ब्लू, देखो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो थोड़ा सा ये तुम्हारे मेरे अपने हिसाब से लिखा है अपने हिसाब से लिख लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, कुछ लिखवाने की जरूरत है क्या, नहीं होनी चाहिए बिकॉज आपके पास रेफरेंस बुक है, उसमें तो सारे क्वेश्चंस पढ़ने ही है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट अभी चैप्टर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्योंकि ये पूरा चैप्टर रीजनिंग बेस्ड ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई डेंजर साइंस हो तुमने देखे वो सारे रेड कलर्स में ही होते हैं, कितने भी डेंजर साइंस होते हैं या डेंजर साइन के नाम पर अपन सिर्फ रेड कलर उसकी यूज करते हैं, ये स्कैटर सबसे लीस्ट होता है दूर तक से अपन को इसको नजर आता है। यस, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जैसे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं या स्कूल बस होती है वो येलो कलर पेंटेड, उसमें अलग फैक्टर है, उसमें स्केटर वाला नहीं, पीला कलर जो होता है येलो कलर जो होता है आपकी आंखें बहुत जल्दी कैच करती है, मींस अपनी आंख मतलब तुम बहुत सारे कलर रखते एक बहुत सारी एक तरीके की चीजें अगर तुमने डिफरेंट कलर्स में रखी हुई है पर अपनी नजर सबसे पहले किस पर आएगी, येलो कलर, मींस एक तरीके से कि आपका जो येलो कलर है आपके आंख पे आपके आंख का परसेप्शन ऐसा है कि वो येलो कलर की तरफ खींचती है, मींस येलो कलर कहीं पे भी दूर से भी कहीं येलो कलर नजर आएगा तो एकदम से देख लेके हाँ भी ये येलो कलर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई क्या होता है कि बसेस को येलो कलर पेंट किया जाता है ताकि जो दूसरे ड्राइवर्स है दूसरे व्हीकल्स के ड्राइवर को पता चल सके, दूर से पता चलता है कि हाँ पे आगे स्कूल बस आ रही है, स्कूल बस है, ठीक है। तो कहीं पर भी देख लो तुम देखना कि भाई येलो कलर जो होता है बिल्कुल अगर प्योर येलो कलर होगा तो एकदम से आपकी आंखें उसकी तरफ, ठीक है।
और एक एक ना एक नजर आपको सेल ऑफ करनी पड़ेगी, तो वो आपके आंख का मैकेनिज्म है। अरे वो ऐसा वो ऐसे ही मतलब भाई वी आर अब कलर्स बसेस का कलर अलग अलग होता है, जैसे बीआरटीएस जो मेन बीआरटीएस है वो तो कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर होता है, ब्लू एक्सेप्टेड भी नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरी बसेस है वो अलग से चलती है, बीआरटीएस टाइम चलती है, कार चलती है काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है, तो गवर्नमेंट बसेस है तो उसको बाहर ठीक है भाई अलग से पहचान के लिए रेड कलर। एक और क्वेश्चन जैसे एक और नहीं जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे याद आ रहे जिनकी मेमोरी में मेरे हैं उनको तो पता। एक क्वेश्चन होता है जैसे कि यस जब आप एक सन एक पर्टिकुलर एक समर डे है, समर डे दिन में भी आप घूमते आए हो और जैसे ही घर में आते हो तो आपकी आंखों के सामने एक ब्लैकआउट सा हो जाता है, जैसे मतलब सन से आए और जैसे ही घर के अंदर घुसे तो बिल्कुल ब्लैकआउट ऐसा फील होता है। देखो जब आप बाहर होते हो आप बाहर हो घर से बाहर हो दूर में हो तब आपका पिपिल की साइज क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा क्योंकि ब्राइट लाइट के अंदर देखने के लिए पिपिल की साइज हो जाती है ठीक है, मतलब पूरी आई उस तरीके से एडजस्ट होती है, पूरी आई का मैकेनिज्म अपने हिसाब से काम करती है, जिस हिसाब से लाइट मिलेगी उस हिसाब से आई का डिस्टेंस डेंस लाइट के डिपेंड ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हाँ आई को इस पर्टिकुलर मतलब रीजन के लिए एडजस्ट कर दिया ठीक है। तो जैसे ही आप घर के अंदर आते हो पहली बात तो आपके कौन से सेल्स एक्टिव होंगे जब आप ब्राइट लाइट में होंगे, तब कौन से क्या होते हैं उसमें एक्टिव होते हैं ब्राइट लाइट दिखाने का काम वही करते हैं ठीक है। तो जैसे ही घर के अंदर आते हो ठीक है तो पहले तो क्या होगा कि धीरे धीरे ऐसा तो होगा नहीं एकदम रैपिडली बिल्कुल ही कम है बिल्कुल एकदम एक्जैक्टली फास्ट रैपिड स्पीड में क्या हो जाएगा कि लाइट जो है चली जाएगी या मतलब आंखों के अंदर जो सेल्स हैं वो रूट सेल्स क्योंकि डीप लाइट में रूट सेल्स दिखाने का काम करते हैं कि भाई उनका ही काम होता है तो वो एकदम से एक्टिव होंगे नहीं तो टाइम लगेगा ठीक है। जब ब्राइट लाइट अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी अंदर से जब कौन सेल्स के ऊपर से तब एकदम से रूट सेल्स काम करेंगे और फिर पिपिल के साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी क्योंकि डीप लाइट में पिपिल के साइज क्या हो जाती है इंक्रीज होता है तो आई एकदम से एक्टिव नहीं होगी वो धीरे से एकदम आपको विजन प्रोवाइड कर सकते तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने के अंदर उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट क्या होता है उस समय के लिए फिर वो एडजस्ट होता है तब तक क्या होता है कि ब्लैकआउट सा हो जाता है ठीक है। और मेनली आई का कॉन्सेप्ट या आई का विजन जो होता है सब में एक तरीके से ठीक है मीन्स ऐसा नहीं है कि डिफरेंट हाँ कलर्स के लिए डिफरेंट है कुछ जो होते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कुछ एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट को क्या कर सकते हैं तो देख सकते हैं अपन ह्यूमंस है अपनी आईज काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज है दैट्स अपन क्या है कि सारे कलर्स को नोटिस कर सकते हैं सारे कलर्स देख सकते हैं पर कुछ एनिमल्स हाँ विजन का काम एक जैसा ही है सबका हाँ तो उसके लिए वो यूज करते हैं ना साउंड में जो अपन ने पढ़ा था मतलब उनके लिए मान लो कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तो मेनली बैट्स जो होते हैं या फिर ऑल्स जो होते हैं वो तो उनके अंदर रूट सेल्स ज्यादा ठीक है मीन्स उनके अंदर जो कॉर्न सेल्स की अमाउंट होती है कम होती है रूट सेल्स की अमाउंट ज्यादा होती है उनको इतनी डीप लाइट के अंदर भी देखिए। और एक और एक क्वेश्चन जिस तरीके का तुमने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि बैट्स वगैरह जो होते हैं अपने ब्रेक होते हैं मतलब शिकार होता है उसको कैसे पकड़ते हैं स्नेक वगैरह जो होते हैं वो इसलिए नहीं देख पाते ठीक है वो साउंड से करते हैं इको से तो सबका अपना देखने का विजन अलग है। इवन आपकी ह्यूमन बॉडी भी है तो ह्यूमन बॉडी कंप्लीटली बैलेंस का काम करती है जब आंख और कान दोनों खुले ठीक है आंख और कान खुले होंगे
तभी जाके प्रॉपरली ह्यूमन आई काम करती है, ह्यूमन बॉडी बैलेंस है। ठीक है, कि होता है कभी कभार कान भी देखने का काम करते हैं, जिनके पास आंखें नहीं होती है, उनके कान ही होते हैं उनको दिखाने के। हाँ, आवाज से पता लगा सकते हैं कि जो चीज कितना दूर है, कहाँ पर है, किस साइड में है, आगे है या पीछे है, लेफ्ट है राइट, तो वो चीजें उनको उसी तरीके से दिखती। ठीक है, और चलो फिलहाल चैप्टर पे आ जाते, मतलब ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्काई का कलर ब्लू क्यों? इस चैप्टर में तुमको तुम्हारे स्कूल के टीचर ने क्या बोला है, कौन कौन से टॉपिक छोड़ दिए? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई मैंने जितना देखा था मुझे कोई भी टॉपिक तुम्हारा कौन सा गुजरात गुजरात बोर्ड का होगा, पर सीबीएसई का मैंने कल ही चेक किया है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ भी रिड्यूस नहीं है, सारे के सारे आई का डायग्राम निकाल दिया हो, बाकी फंक्शन है मैंने कल ही फंक्शन आई का जो पार्ट है उनके फंक्शन भी कल ही चेक किया है, एक बार वापस मैं नोटिफाई कर दूंगा। देखो इधर नेक्स्ट, अभी स्काई का कलर ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों नजर आता है? बहुत सिंपल था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुमको कि स्कैटरिंग कैसे हो रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर स्कैटरिंग कैसे होगी वो भी तुम पता सकता है। तो अभी सिर्फ आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर आपको ये रीजन बताना है, अब खुद ही बता सकते हो कि अगर सनलाइट आ रही है, सनलाइट के साथ में सारी लाइट्स आ रही है, ब्लू भी आ रही है, रेड भी आ रही है, बट अपन को सिर्फ क्या नजर आ रहा है, इसका ब्लू कलर का नजर आ रहा है, रेड कलर का नजर आ रहा है, और आया भी तो ब्लू कलर ही, ब्लू कलर क्यों नजर आ रहा है? देखो यहाँ पर जैसे ही सनलाइट अंदर एंटर होगी अर्थ एटमोस्फेयर के, तो सनलाइट का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, भाई सनलाइट के अंदर मैं दो ही लाइट बना रहा हूँ, ब्लू और दूसरी रेड। ठीक है, तो रेड लाइट की तो वेवलेंथ क्या है, काफी ज्यादा बड़ी है, तो वो तो एज इट इज कहां आ जाएगी, अर्थ सरफेस तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ दिखाने का काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से अगर तुम डायरेक्ट सन को देखने कुछ करोगे तो दिखा नहीं कर रहा है, रेड लाइट अपने अर्थ तक आ रही है, तो वहां पर रेड दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर जब आ रही है तब वो कंबाइन आ रही है, और ऐसा नहीं कि ब्लू लाइट सारी स्कैटर हो जाएगी, कुछ अमाउंट में ब्लू लाइट भी हो सकती है, अपन को एक बार तुम अगर दिन में देखते हो तो सन को कभी देखने की कोशिश करी हो तो उसका कलर बिल्कुल टेन वाइट। ठीक है, तो वो इसकी वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट इन सारी लाइट तो पहुंच रही, बट काफी सारी अमाउंट में ये जो ब्लू लाइट है वो आसमान में क्या जैसे उधर स्कैटर होगी। ठीक है, तो मैंने एक विंग कराई है, जैसे कितनी आती है लाइट, बहुत इतनी ज्यादा अमाउंट में लाइट जब आती है और सारी लाइट में से एक लाइट रेड होती है, सेवन कलर है, सेवन कलर में से जो रेड वाली है वो तो अर्थ सर्फेस तक आ जाएगी, वहां तक आगे खत्म हो गई, मतलब पार्ट करें। ठीक है, लेकिन ब्लू लाइट जो हुई है वो ब्लू लाइट क्या हो रही है, इधर से उधर स्कैटर हो रही है, फेल रही है, जैसे उधर सीधी सी बात है, क्या कलर वॉयलेट भी स्कूल। हाँ, तो वही तो बोल रहा है, ये तीनों इफेक्ट ब्लू को ग्रीन वॉयलेट, इन तीनों को कंबाइन करके तो क्या नजर आया, ब्लू नजर ही आएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ब्लू बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि ये ब्लू लिखा है तो मैंने ओनली इसमें से ब्लू आ रहा है, ये तीनों ही क्या होंगे स्कैटर, मतलब जैसे उधर और जो एटमॉस्फेयर में जो लाइट जैसे उधर बिखरेगी वो कौन सी बिखरेगी, ब्लू ही सब होगी। मैंने क्या बोला, वॉयलेट भी होगी, इंडिगो भी होगी, और इवन रेड तक ही होती। ठीक है, क्योंकि हाँ, तो बाकी के सारे का ऐसा नहीं होता, बस ये होता है कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, छोटी वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा स्कैटर। ठीक है, तो मेनली इन तीनों की वेवलेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट होती है, सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग की वजह से अपन को इसका कलर कैसा नजर आता, क्यों नजर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका स्कैटरिंग नहीं होगा, इनका भी स्कैटरिंग होता है, और मैं तुमको बताऊंगा कि भाई सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपको रेड नजर आता है, तो उसमें कुछ अमाउंट में रेड का भी क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। ठीक है, तो दैट्स आपको रेड नजर आता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट काम कर रही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे काम कर रही है कि भाई अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे ऐसे फाइन पार्टिकल्स हैं जो इजीली लाइट रेस को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, और उस लाइट रेस का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगा, इसकी विपरीत कम होती है।
सो जो ब्लू एंड होता है, ब्लू एंड मतलब ब्लू इंडिगो एंड वायलेट, इन तीनों कलर्स की जो लाइट होती है वो बहुत ज्यादा कम छोटी वेवलेंथ की होती है, छोटेस्ट वेवलेंथ होती है, दैट्स हाउ स्कैटर स्कैटर और स्कैटर होने की वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर में जैसे सनलाइट एंटर होती है तो वो इधर से उधर बिखर जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है अपन को स्काई का कलर ब्लू नजर आता है, दैट्स इट। इस वक्त भी होता है सनराइज या सनसेट के टाइम पर सन का जो कलर होता है वो रेड, ये सन तो होता है, सन को भी देखोगे ना उस समय रेड ही नजर आता, रेड ऑरेंज नजर आता, ठीक है, उसका भी इसी रीजन में आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या है कि लाइट का ट्रैवल करने का, यहाँ पर ट्रैवल करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। यहाँ पर देखो कि जब आप ये आपका सन है होराइजन पर, ठीक है, इस टाइम पे सनलाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, और अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पर हो, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को नजर ही नहीं है, यहाँ देख क्या तूने बोला, आवाज तेरी मेरे अलावा आवाज बस उसने ठीक है, तो यहाँ पर अगर सन इस जगह पे हो, ठीक है, और सन एक बार इस जगह पे हो वापस अगेन ब्लू एंड रेड, तो दोनों केसेस में कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना, मतलब कौन सी लाइट को नहीं, कौन से केस में लाइट को डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना, फर्स्ट वाले में। चलो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है 200 किलोमीटर हो गए, इतना नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, इतना डिस्टेंस नहीं होता, ज्यादा 500 या ऐसे लास्ट जो होती है 500 और ऐसे बड़ा हो, और डिस्टेंस मान लेते हैं कि चलो मैं अर्थ के सेंटर की तरफ बता रहा हूँ, टेंजेंशियल बना रहा हूँ ना, तो टेंजेंट की डिस्टेंस ज्यादा होती है रेडियस, तो अपन रेडियस की तो बात ही नहीं कर रहे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक तो ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस इस पॉइंट से, क्योंकि आप देख रहे हो इसी पॉइंट से देखोगे ना सनराइज और सनसेट देखोगे तो, और आपके लिए पहले आप यहाँ खड़े रहो बस, तो आपके लिए सनराइज यहाँ पे सनसेट यहाँ पर, यहाँ खड़े रहो नीचे अर्थ के नीचे खड़े रहोगे तो आपके लिए तो होराइजन ही काम आएगा ना, तो होराइजन से ही डिसाइड करोगे कि सनसेट और सनराइज काम, तो अपन यहाँ खड़े हैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे बताओ कि जब इस डिस्टेंस पे ट्रैवल करना पड़ा, इस डिस्टेंस पे ट्रैवल करना पड़ा तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ब्लू लाइट की स्कैटरिंग कहाँ हो जाएगी, किस केस में ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो, ज्यादा अमाउंट फर्स्ट वाले, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या करना पड़ रहा है, ब्लू लाइट और रेड लाइट को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना, अभी पहले इस केस से पहले इसमें यहाँ पर जब दिन के टाइम पे सन बिल्कुल एक्जेक्टली ऊपर होता है तो स्काई का कलर थोड़ा सा लाइट ब्लू सा हो जाता है और सन के आसपास थोड़ा सा येलोइश या ब्लैक नजर आता है, ठीक है, तो उसकी वजह ये है यहाँ पर कि यहाँ पर भी सनलाइट की ब्लू लाइट की स्कैटरिंग तो हो रही है पर इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं हो रही है कि वो ब्लू लाइट बिल्कुल खत्म ही हो जाए यहाँ पर, मतलब इतने ज्यादा अमाउंट में स्कैटरिंग नहीं हो रहा है कि सनलाइट जो आ रही है यहाँ से वो यहाँ तक अर्थ तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाए, ऐसी नहीं हो, जिसकी वजह से अपन को अभी भी दिन के टाइम पे थोड़ा सा स्काई ऐसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ब्लू लाइट जो आ रही है उसकी यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से वो डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो ब्लू लाइट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है,
तो यहाँ तक आते आते जितनी भी सनलाइट इस साइड पर यहाँ से यहाँ तक आ रही है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट क्या हो चुकी है, बिल्कुल स्केटर हो चुकी है, अपने पाथ से डेविएट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम ब्लू लाइट तो किधर इधर से उधर आसमान में फैल चुकी है, तो फिर लाइट कौन सी पहुंचेगी आप तक, कौन सी पहुंचेगी, रेड पहुंचेगी। इसकी वजह से ही सन का कलर कैसा नजर आएगा, रेड नजर आए सन का कलर। एक्चुअली क्वेश्चन में भी सन के कलर की बात करें, ठीक है, स्काई की बात नहीं करेंगे, भाई होराइजन के टाइम पर सनराइज के या सनसेट के टाइम पर सन का कलर जो होता है वो रेड क्यों नजर आता है, वो इसकी वजह से क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो ब्लू लाइट यहाँ से इतना ज्यादा एटमोसफेयर के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से जो मैक्सिमम ब्लू लाइट हो चुकी है वो बिल्कुल ही स्कैटर हो चुकी है, इधर उधर जा चुकी है, तो कुछ भी अमाउंट बहुत ही कम अमाउंट में भी यहाँ तक अपने पास क्या नहीं आ पाई, ब्लू लाइट नहीं आ पाई। तो सिर्फ ब्लू लाइट में से इस पूरे सनलाइट जो आ रही है उसमें से कौन सा पार्ट आएगा, जो रेड एंड वाला पार्ट है वो क्या कर पाएगा, यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो इसकी वजह से अपन को सनलाइट सन कैसा नजर आता है इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा सा रेड। अरे स्केटर हुआ तो ब्लू कलर नजर नहीं आया, यहाँ पर स्केटर हुआ तो ब्लू कलर नजर आ रहा, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मिस आउट हो रहे हो। मतलब मैंने क्या बोला था, अगर जैसे अपने क्लास वोटर लिया था तो यहाँ पर स्केटर नजर, मतलब पार्टिकल्स को कैसे स्केटर कराया, ऐसे फेल है, ठीक है। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इधर से उधर चली जाए तो यहाँ पे क्या की लाइट नजर आएगी, उसी तरफ नजर आएगी क्या, अगर मैक्सिमम लाइट इधर से उधर जा चुकी है अपन को लाइट तो नजर आती है, जब एक पैनल सिंगल लाइट रे हो तो नजर आती है, अगर बिल्कुल एक सिंगल रे होगी तो क्या तुमको लाइट नजर आएगी, वो तो बीम ऑफ लाइट होती है, जैसे लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट क्या है बीम ऑफ लाइट ही है, पर वो पतला बीम ऑफ लाइट, ठीक है, तो पतला बीम ऑफ लाइट होने की वजह से क्या हो रहा है कि अपन को थोड़ा कुछ में उस अमाउंट में लाइट नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है हर इंडिविजुअल सिंगल रे क्या हो रही है अपने पास से डेविएट हो। तो अगर यहाँ तक आते यहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते जितनी भी लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट थी कि अपन बीम ऑफ लाइट में जितनी भी सिंगल सिंगल इंडिविजुअल लाइट वो अपनी पास से डेविएट हो गई, इधर देखने के लिए क्या बचेगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से कोई लाइट बाहर ही नहीं आई, तो अपन को यहाँ पर कैसा नजर आएगा, एक ब्लैकआउट सा नजर आएगा, थोड़ा इमेज यहाँ पर स्कैटरिंग हुई है, ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास सनलाइट स्कैटरिंग हुई है तो वो लाइट फैल गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एटमॉस्फेयर छोड़ दिया या बाहर चली गई, और होराइजन के टाइम पे भी ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही पूरा आसमान नीला नजर आता है क्या, मतलब रेड नजर आता है ऐसा होता है क्या, बस यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पोर्शन कैसा नजर आता है आपको, रेड कलर का नजर आता है, तो बाकी इधर का पोर्शन कैसा होगा, तो ब्लू ही है ना, तो सनलाइट का स्कैटर हो रहा है, ब्लू लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, वो एटमोसफेयर में इधर से उधर जा रही है, मीन एटमोसफेयर के अंदर ही, तो जिसकी वजह से अपन को ब्लू कलर नजर आए। अब ये तुम्हारे पास अगर मेरे पास वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होता तो मैं तुमको बहुत अच्छा समझता, वो तो तुम मॉर्निंग ऐसा तो नहीं बोल सकते, एक्चुअली ऐसा मॉर्निंग टाइम में सबसे ज्यादा होता है, जब अगर सन की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक हो गई है, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी तुम देखोगे तो इसके आसपास कैसा होगा, थोड़ा सा ब्लैंक सा होगा, और उसके बाद में फिर लाइट ब्लू कलर होगा, एंड देन क्या पता एग्जैक्टली ब्लू नजर आएगा, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो कलर्स रहेंगे, ठीक है, बट मैक्सिमम तो यहाँ पर तो पोजीशन होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होराइजन में भी होराइजन पे थोड़ा ऊपर और ये परपेंडिकुलर से थोड़ा सा इधर, इस यहाँ पर और सन यहाँ पर होता है जब एग्जैक्टली बहुत अच्छे से अपन को ब्लू कलर नजर आ, ठीक है, तो वही यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एग्जैक्टली सन इससे लाइट ऐसे आ रही है, वही दोनों केसेस बता रहे,
तो उसके अलावा जो केसेस होंगे उसमें क्या होगा, मैक्सिमम ब्लू कलर नजर आए। और ये केस भी तुमको मैंने अभी यहाँ पर डिस्क्राइब किया था कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पर होगा तब अपने पास सब तरीके की लाइट होती है, इसलिए अपन को यहाँ पर इसके आसपास थोड़ा सा ब्लैक स्पेस नजर आएगा, और फिर जो बाकी की जो थोड़ी बहुत ब्लू लाइट स्कैटर हुई है वो उसकी वजह से अपन को कैसा नजर आ रहा है, ब्लू नजर आ रहा है। हाँ आई नो कि तुम्हारी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा जाता कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है क्या, ठीक है, तो उसके अंदर भी डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई ब्लू कलर की लाइट होता है मेरे पास, अपन मेरे पास वीडियो रेफरेंस होता बहुत अच्छा था अभी, ठीक है। हाँ थोड़ा डाउटफुल रहता है यहाँ पर कि भाई कैसे छोटी छोटी लाइट इस तरह काम कर रही है, बट ओके मैं जितना बता रहा हूँ तुम्हारे लिए अभी फिलहाल के लिए बहुत इनफ है, उससे ज्यादा उससे बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते क्या होगा, ब्लू लाइट स्कैटर हो चुकी, एक तरीके से ये मान लो कि यहाँ से ब्लू लाइट स्कैटर होकर, ठीक है, थोड़ी बहुत तो कहाँ रहेगी यहाँ इधर पर्टिकुलर, तो यहाँ पर होराइजन पे होगा तो ब्लू लाइट इधर भी तो जा रही है, स्कैटर के साथ भी जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम तुम्हारी आंखों तक कौन सी लाइट होगी, इस साइड रेड लाइट पहुंचेगी, ठीक है, सन का जो रेड एंड वाला वेक्टर का जो रेड एंड पार्ट होता है व्हाइट लाइट का वो तुम तक पहुंच, तो दैट्स व्हाई तुमको क्या हो रहा है यहाँ पर कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट तो जा चुकी है यहाँ पर, स्कैटर हो चुकी है इधर से उधर जा चुकी है। जैसा वो मैंने समझाया तुमको कि लाइट अगर स्कैटर हो गई पूरी लाइट है उधर कैसा नजर आएगा, बिल्कुल ब्लैकआउट, और उसमें ऐसा करेंगे भाई ऐसे लाइट मैंने रेड, और देखो यहाँ पर मैंने लेकिन चलो मान लो कि यहाँ पर मैंने ब्लू लाइट थी, ब्लू लाइट और यहाँ पर मान लो सिंगल सिर्फ ब्लू लाइट थी और यहाँ पर एक सिंगल रेड लाइट, और मैंने ऐसा कुछ अच्छा ऐसा मीडियम रख दिया जिसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से ब्लू लाइट की स्कैटरिंग हो सकती है, तो मुझे बताओ यहाँ से जब मैंने लेजर लाइट ऑन की ब्लू और रेड दोनों, तो इस पॉइंट पर इस एंड तक आते आते मुझे कौन सा कलर रेड नजर आएगा, क्योंकि ब्लू का क्या हो सकता है स्कैटर अपना पार्ट डिवाइड कर चुकी है, कुछ इधर जा रही है कुछ इधर जा रही है, यहाँ तक पार्ट कुछ नहीं मैं जहाँ नजर आना चाहिए, तो उस यही सेम रीजन इसके अंदर है। नेक्स्ट देखो जैसे प्रॉब्लम होगी मैं नहीं फिर बताया करता हूँ कि नहीं देखना चाहिए दिखा ले हाथ पैर और लकड़ी दिखा ले, देखो इधर यहाँ सन को नहीं देखना चाहिए आपको डायरेक्टली, एक साथ में ज्यादा ब्राइटेड आ जाएगी तो आपके सेल्स क्या होते अंधे नहीं होंगे, आपके सेल्स का प्रॉब्लम होगी, आपका बीच कमजोर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बट होता है ना बच्चे होते तो इच्छा हो जाती है, ठीक है, तो नहीं नहीं ये ऐसे सनग्लासेस, हाँ सनग्लासेस तो ओरिजिनल होते हैं उनको फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नहीं, ठीक है, जिनका ग्लास काफी ज्यादा अच्छा होता है ओरिजिनल जो होते हैं तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि लाइट्स को बिल्कुल ही खत्म मींस अंदर आने नहीं देता, ठीक है, धीरे अंदर नहीं आने देता। हाँ पर ऐसे ग्लासेस से नॉर्मल ग्लासेस से देखोगे या डायरेक्ट ओपन आई से देख रहे हो तो होता है कि बचपन में हाँ भाई सन है क्या क्या है देखूंगा मैं प्रॉब्लम हो रही तो भी देखूंगा, आंखें लाल हो चुकी है आंसू निकल रहे फिर भी, तो तुमको देख तुम देख देखोगे ना जब मैंने किया है मैं भी बच्चा था एक टाइम पे तो मैंने किया है, तो ऑफ कोर्स तुम जब सन को कंटिन्यूअसली देखते हो ना तो सन पे ऐसा लगता है कि दो तीन डिस्क एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है और वो मूव कर इसीलिए ऐसी हालत हुई, हाँ वो एलर्जी की वजह से होता है, तो ऐसा नजर आता है कि दो तीन सन के आगे दो तीन डिस्क हैं वो तो डिस्क कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, ध्यान से देखते तब होते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, फिर इच्छा कैसे होगी चीजों को जानने की पढ़ने की इच्छा कैसे होगी, ऐसे हाँ तो ब्लैंक नजर आएगा तुमको सबसे आगे वाली डिस्क ब्लैंक ही नजर आएगा ऐसा अपन तो दिखेगा
अरे तो आगे से ब्लैंक ही नजर आएगा क्योंकि वहां से व्हाइट लाइट आ रही है अपने पास, तो आप डायरेक्टली व्हाइट लाइट के सोर्स को देखोगे व्हाइट लाइट आ रही है तो व्हाइट ही दिखेगी ना, समझे? चलो नेक्स्ट देखो. प्राप्ति में हाँ तो उनकी क्लास में कोई सीखे क्लास एक साथ में तुम लोग भी, बाकी क्लास लोड़िया में चैप्टर्स खत्म कर दिए और यहाँ पे भी चैप्टर था तुम्हारी क्लास में, तुम्हारी क्लास में मुझे लग रहा है कि सैटरडे आई है नहीं होगा. अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक इंफेक्शन. चलो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि कोई वीडियो रेफरेंस लेकर आ सकता हूं, थोड़ा और क्लियर हो. वैसे तो जितना मैंने बताया और जितना तुमने समझा है उतना ही है, बट ठीक है तुम्हारे दिमाग में डाउट है तो मैं क्लियर आउट करने के लिए आया हूं. आप प्रैक्टिस अभी कर लीजिए. प्रैक्टिकल का ऐसा तो देखेंगे सर, वो कर सकते सर जाने वाले सब लाइन पर दे दे वो भी देते हैं, पर जैसा मीडियम भी चाहिए ना कि इतने कोरिडर पार्टिकल तो कुछ ना कुछ अमाउंट में निकलेगी, ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली स्कैटर हो जाए. पर हाँ ये पता लग सकता है कि उसमें ब्लू लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी और रेड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ये अपन करेंगे. इवन क्रिटिकल एंगल वाला एग्जाम्पल भी तुम कर सकते, अगर तुम्हारे पास रेड या ग्रीन किसी भी तरह का लेजर लाइट है किस तरीके का कम्युनिकेशन है. चलो देखो इधर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल, हाँ मैं बोला था क्रिटिकल एंगल का तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, उसमें एक आप क्लास में बटन ले लो और लेजर लाइट को जब यहाँ से चालू करोगे तो मैक्स अमाउंट में क्या हो रहा है लाइट एंटर हो रही है तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होगी तो डेंसर टू रेयर मीडियम में पास आउट करा रहे, बिल्कुल लेजर लाइट को टच करके रखो ग्लास से और उसमें तुमको पता चल सकता है कि तुम जैसे जैसे पोजीशन चेंज करोगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा कि भाई लाइट जो होगी वो बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी इसके सरफेस के, जैसा मैंने क्रिटिकल एंगल तुमको समझाया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी तुम लोग कर सकते. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे दिखता है, रिफ्रैक्शन अपन ने पढ़ा है रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बट जब कोस्टल एरिया के अंदर सादा एयर या हवा पता उसका क्या है, कोस्टल एरिया में ज्यादा हवा क्यों चलती है? यस लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. उस तरीके का कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसमें यहाँ पर कि एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन कैसा, रिफ्लेक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में अपन क्या कराने वाले सनलाइट को बेंड कराने वाले, पर वो भूलता किस तरह यहाँ पे कौन सा मीडियम ऐसा मिलता है, तो सबसे पहले तो वैक्यूम है, वैक्यूम के बाद क्या है एयर, पर एयर के अंदर भी एयर अलग अलग जैसे ऊपर से नीचे जाते रहते हो ना तो एयर अपना चेंज करता है अलग अलग रीजन होता है. कैसे रीजन होता है कि भाई अर्थ एटमोस्फेयर के ना जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पोर्शन में मेनली कैसी होती है हॉट एयर होती है, कैसी एयर होती है हॉट एयर, और नीचे यहाँ पर अर्थ सर्फेस के ऊपर मेनली कैसी होती है कोल्ड एयर. जो भाई यहाँ पर कोल्ड एयर में
और उसकी सरफेस फटाफट गर्म हो जाती, तो उसकी वजह से उसके आसपास की जो एयर, कोल्ड एयर होगी वो भी कैसी हो जाएगी गर्म, और गर्म एयर की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती, डेंसिटी लो होती है। क्यों सर? उसे पार्टिकल्स लाइट, पार्टिकल्स लाइट होती, पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे आप एयर को गर्म करते हो तो एयर पार्टिकल्स, वैसे ही तो उनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो काफी ज्यादा है, उनको थोड़ा और गर्म करोगे और जगह मिलेगी तो और थोड़ा फैल जाएंगे, ठीक है? तो इसकी वजह से उनकी डेंसिटी कैसी हो जाती है, लो हो जाती है हॉट एयर। तो हॉट एयर की डेंसिटी लो होते ही वो एयर कहाँ जाती है? अब ये एयर ऊपर चली गई तो यहाँ पे भी तो वापस एयर आएगी, तो वो एयर कैसी होगी? कोल्ड एयर होगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे चली जाएगी, ठीक है? तो ये सब कंटिन्यूसली साइकिल चलता रहता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कंटिन्यूसली अगर ये साइकिल चल रहा है तो इस साइकिल की वजह से तुम्हारे एटमोसफेयर के अंदर ऊपर का जो रीजन होता है वो हॉट एयर का होता था, और नीचे का रीजन होता है वो क्या होता है, कोल्ड एयर का, ठीक है? तो अगर हॉट एयर होगी, डेंसिटी कम है, तो किस तरीके का मीडियम प्रोवाइड करेगा? ये रेयर एयर मीडियम प्रोवाइड करेगा, ठीक है? और कोल्ड एयर होगी तो किस तरीके का मीडियम प्रोवाइड करेगी? डेंसर। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है चार लेयर होती है, चार लेयर से अगर नीचे मीन्स आउटर लेयर से लेकर अर्थ के सरफेस की तरफ जाते रहेंगे, धीरे धीरे जो मीडियम होगा वो कैसा होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा, पर जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते रहोगे तो मीडियम कैसा हो गया, डेंसर, मींस रेयर से डेंसर मीडियम होता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी इसकी। अब रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर अगर तुम सनलाइट को एंटर करवाओगे क्या होगा? पहले तो वैसे ही पहले वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई, और यहां से जैसे एंटर होगी तो क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड, क्या हो गई, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई, कैसे जा रहे रेयर से डेंसर में जा, इससे तो मैंने यहीं से बात करी, यहाँ की बात नहीं, समझ आई बात? तो वैक्यूम से अपन एयर के अंदर आए, तो यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही इस पर्टिकुलर लाइट जैसे एंटर करी, एटमॉस्फेयर में एंटर करी, तो यहां पर लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये कोई भी मान लो कि यहाँ पर कोई स्टार है, सन है, ठीक है, तो क्या अभी इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आप लोग सेलेस्टियल बॉडीज की पोजिशन आपके अर्थ से सरफेस से देख रहे हो, क्या वो उनकी पोजिशन एक्सैक्ट पोजिशन नहीं होती, उनकी एपरेंट पोजीशन होती है, ठीक है? तो ऐसा क्यों? वो ऐसा इसकी वजह से। अब आपका लाइन ऑफ साइट तो कैसा है, स्ट्रेट है, आपका लाइन ऑफ साइट कैसा है, स्ट्रेट है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे सीधी सी बात है सामने की चीज दिखेगी, और लाइट रे अगर जिस सामने से आ रही है तो मेरे को वही सामने की दिखेगी, ऐसा तो है नहीं कि वो लाइट रे आ रही है तो जब मैं विजन अपना उधर करूंगा तब दिखेगा, ठीक है? तो लाइट अगर मुझे यहाँ से अगर मैं इसका स्ट्रेट पार बनाऊ तो लाइट ट्रैवल करती हुई कहां से नजर आएगी, ये बात नजर आएगा कि भले लाइन है इधर से यूं बेंड हो रही है पर मैं तो किधर देखूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट किधर देखूंगा, ठीक है? तो मुझे इस पर्टिकुलर स्टार की पोजीशन का नजर आएगी, यहां पर नजर आएगी, मतलब ही बात। तो ये ऐसा किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, क्योंकि आपका लाइन ऑफ साइट कैसे काम करता है, इस तरीके से। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को आया कि जो बेंगापन होता है बेंगापन बोलते हैं, जो लोग कुछ लोगों में बीमारी आके देख इधर रहे हैं पर देखकर सामने, उसको बेंगापन हिंदी में बेंगापन और बोलते हैं, ऐसे सिमिलर कुछ वर्ड होता है, सिमिलर कुछ ट्राई करता हूं पढ़े। तो उनका रीजन मुझे बताना कि वो किस तरीके से उनको चीजें नजर आती, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को जब क्लास होगी तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देना कि आपको किस तरीके से चीजें नजर आती।
समझ में आई बस प्रैक्टिकल नहीं मैं तुम्हारे लिए वीडियो रेफरेंस ला सकता हूं अगर पॉसिबल था वीडियो रेफरेंस को दो ठीक है तुम्हारा डाउट क्लियर करना थैंक यू सर डाउट ऐसे चाइना के कुछ सर बनाया है हाँ उसमें केमिस्ट्री है एटम्स कुछ इस तरीके से उन्होंने अरेंज करवाए उसकी वजह से इतना एक लार्ज अमाउंट ऑफ पावर सोर्स उन्होंने जनरेट किया थोड़े टाइम पहले चाइना ने पार्टिकल डिस्कवर किया फोर पार्टिकल एलिमेंट कोरोना ने 2011 या 2012 के एक्सपेरिमेंट है उस समय ऐसा निकल आया था कि अगर वो पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो गलत निकला था चाइना ने अपने लिए खुद के लिए सन सन के अल्टरनेट उन्होंने अपना एक एनर्जी सोर्स मैं उनको बोल दूंगा चलो आज अभी तुम्हारा लेक्चर प्राप्ति मैम आएंगे ना हाय सर Good evening, ma'am. Yeah. So when we react this aluminium with steam, there is a vigorous layer, thin layer present of aluminium oxide on it. And this particular layer, though being thin, it is very tough to remove it. That is why normally aluminium vessels are being used, you know, in normal range also for cooking. Otherwise, no. So, isko agar tumko react karna hai na aluminium ko steam ke saath, so it will be a prolonged reaction. Time lagega usko react karne mein, par wo thande ya garam pani ke saath utna jaldi react nahi hoga. Na, not on room temperature. मैं क्लियरली बोल रही हूँ ना एयर जेड एन और एफ ई ये तीनों तीन दे विल नॉट रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर दे विल ओनली रिएक्ट विद स्टीम राइट स्टीम में भी एल्यूमिनियम में एक क्लॉज है दैट दे विल ओनली रिएक्ट विद स्टीम लाइक इन अ प्रोलॉन्ग जोन बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन इट क्लियर हाँ अभी हमने कहां तक लिखा है उसमें लिखा होना ये लिखा है ना बेटा मेटल्स लाइक एयर एंड जेड एंड एफ वी डू नॉट रिएक्ट हाँ इधर आपने आई एम पी लिख लो मैं ये जो एल्यूमिनियम का बोल रही हूँ ना एल्यूमिनियम का लेयर ऑक्साइड का वो इधर लिख लेना ठीक है
समझो ऑलरेडी लेयर बनी हुई होती है जब वो लोग प्रोसेस एल्यूमिनियम को जब आप निकालते हो ना तो बेसिकली बॉक्साइट उसकी ओर है, ठीक है, और में से आपने इसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद उसमें होता है एसिडिफिकेशन। ओके, एसिडिफिकेशन जब आप करते हो तब आपको प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। अब वही एसिड जब गलता है ना तब टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर एलिवेट होता है। उसी गर्म एल्यूमिनियम को तुम जब बाहर निकालते हो ना तो तुरंत ही ऑक्साइड लेयर उसमें जमा हो जाएगा। अब तुमको अगर उस एल्यूमिनियम को फर्दर रिएक्ट करना है और उसका हाइड्रोक्साइड चाहिए या उसका ऑक्साइड चाहिए या फिर इफ यू वांटेड टू गेट रिएक्ट विद वाटर देन यू नीड टू वॉश इट और यू नीड टू यू नो स्क्रैच इट विद अ सैंड पेपर या फिर तुम स्टीम ले लो और उसको लंबे समय तक रिएक्ट करने दो, तभी जाके वो ऑक्साइड वाली लेयर है ना वो निकलेगी और ये आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा। That is what I'm trying to say. Got it? Yes, sir. अभी क्लियर? मैं वो लिखवा देती हूँ। The confusion is raised there. मैम। प्राप्ति मैम, मुझे एक डाउट है। हाँ, दो मिनट बेटा समझा देते हैं। अच्छा। क्या हुआ बेटा? चलो बुक खोल लो। प्राप्ति मैम, हेलो मैम, कसम इधर स्नेहा क्या हुआ? मैम आपने मेरा ना मैम आपने 24 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन तक मेरे को 8.5 ही दिया है पर आपने सब में टिक कर रखा है तो मतलब वो 0.5 मार्क किधर गया? हेलो मैम, एल्यूमिनियम मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वॉटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन बिकॉज of the presence of a thin but tough layer of aluminium oxide on its surface. On the basis of the vigor of their reaction
एक मिनट ना, आई जस्ट नो सेकंड. You, if you are from CBSC, it's 60. If you are from GSEB, it's 35. Ma'am, अब मेरी आवाज आ रही है. हाँ, red hot iron वाली जो equation है बेटा, वो क्यों समझ नहीं आई, कहाँ पे नहीं आया? देखो, iron को जब भी आप पानी के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे ना, आपको मिलने वाला है आयरन ऑक्साइड. ठीक है, अब आयरन कौन से फॉर्म में, प्लस टू या प्लस थ्री, वो नहीं पता होता है ना, और कंफ्यूजन भी रेज होता है क्योंकि कई बार सही आंसर होता है फेरस ऑक्साइड प्लस टू है तो, या फिर फेरिक ऑक्साइड प्लस थ्री है, तो ये कंफ्यूजन रेज ना हो इसकी वजह से मैंने कॉमन एक लिखवाया है जिसमें लिखवा है आयरन टू थ्री ऑक्साइड. मतलब दोनों वैलेंसी जो भी आएगा इट विल बी आयरन ऑक्साइड ओनली, है ना. एंड देन देयर इज अ लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, बिकॉज हम ऑक्सीजन जो है उसको तो आयरन के साथ ला रहे हैं, तो हाइड्रोजन बचेगा ना बेटा, उसको अलग कर दिया हमने. और एक जैसे स्टीम में क्या होता है ना, आयरन को गर्म किया जाता है और उस पर जब आप पानी डालोगे ना तो वो स्टीम बन जाता है, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन ऑक्साइड. व्हाट इज बोलो मैम, यहां पे अपने Fe3O4 लिखा है तो Fe2O3+, वो आयरन कौन से फॉर्म में है उस पे डिसाइड होगा, है ना. हां देखते हैं क्वेश्चन में, आप लोग ये लिखो तब तक मैं इतना ड्रॉ कर लेती हूँ. प्योर कॉपर, क्या 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 कॉपर नहीं लिखते हम लोग, हम लोग लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, ये सब पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं. हमने कॉपर वेसल्स होते हैं उसके अंदर हम पानी रखते हैं, हाँ, तो क्या होता है पिघल जाता है कॉपर. इन प्योर फॉर्म दे विल नेवर रिएक्ट विद कॉपर, इन प्योर फॉर्म. इनफैक्ट गोल्ड, हम गोल्ड का मतलब चीजें क्यों पहनते हैं, बिकॉज हम अगर डे टू डे यूटिलिटी होगा, तुम सोचो के घर में तुम्हारा मम्मा है, मम्मा इज बीन वेयरिंग बैंगल्स और व्हाटएवर शी इज वेयरिंग इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ऑन डेली बेसिस, अब वो नहाने जाता है राइट, पानी छुएगा ऑर्नामेंट्स को, रोज तो कोई ऑर्नामेंट निकाल के, तो मतलब मेरे जैसा होगा ना तो रोज वो पानी को ना डिस्टिल करके गोल्ड निकालेगा उस तरह से. इतना सारा गोल्ड चला जाएगा, तुम समझो महीने के बाद तो साबुन खत्म हो जाता है, वैसे ऑर्नामेंट्स खत्म हो जाएगा, नए लाओ, है ना. तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम लोग पहनते हैं, और इसीलिए कॉपर गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं ना उसमें कॉपर भी डाली जाती है ताकि वो स्टिफ रहे. हालांकि वो आप लोग लास्ट में पढ़ोगे, अभी मैं सारे आपको अलॉयज पढ़ाऊंगी उसमें. सॉल्ट फॉर्म में होता कोई भी तो, जैसे है ना कॉपर सल्फेट पानी का बना ही होना सोल्यूशन, कॉपर हुआ ना, गोल्ड एंड कॉपर, और कोई नहीं आया, और कुछ नहीं डलता. अकेला गोल्ड होगा ना तो रिंग पहनोगे ना, हाथ का शेप आता है, तो कॉपर की वजह से स्टिफनेस होती है. हाँ बेटा, हाँ जाओ बेटा, तुम माइक पे रहो. Start drawing rather than talking.
हाँ मैं अकेली मेहनत करूँ सर। तुमको ड्राइंग करने में बोलना पड़ता है, ऐसा मैंडेटरी है क्या? नहीं, बोर्ड रूम में आप बोलते हैं तो आप लोग बोलोगे ऐसा कुछ भी, मतलब फालतू का एक्सप्लेनेशन दे देगा आपने नहीं इसलिए ना फालतू के शॉर्टकट्स दिए ना अभी जितना होता है उतना तो करो, जब तक मैं कर रही हूँ तब तक ड्रॉ क्या साउंड इफेक्ट मतलब निकाल कौन से पेज पे डायग्राम है मैंने दो लिए बेटा 2 मिनट पड़े बस 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 क्या चिंगू से जैसा डायग्राम ड्रॉ किया है जिससे देखते कर डायग्राम तो पेंसिल यूज कर
ये फेज बचाव आंदोलन कोई काम नहीं करेगा ये और एकदम पूरा पेज भर के भी मत करना, थोड़ा दिमाग चलाना, आधा पेज में हो जाएगा। हे भगवान ओके है ना, इसीलिए ना मेरे को बोल रहे तुम शांति से करो, मैं अब नहीं करूंगी बस। हाँ चलो सुनो, अभी आगे स्टॉप ड्राइंग आगे क्या करते जाते। चलो अभी जस्ट फोकस, वी हैव ग्लास ब्लू हियर, ठीक है, मेरे दो बंदर का कॉन्सेप्ट इसलिए है ताकि ये रिएक्शन थोड़ा सा जल्दी हो और प्रिसाइजली फूल जो होता है ना वो लिया गया है इट्स सोक्ड इन वाटर, तो ये जब जलेगा ना तब क्या होगा, गैस जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होगी बेसिकली। वंस द स्टीम इज बीइंग जनरेटेड ओवर हियर दिस विल पास अक्रॉस द मेटल, मेटल से पास जैसे ही होगा ना यहाँ से हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होके यहाँ जाएगी, this is known as through, okay? इसके बाद इसमें पानी भरा तो you can see bubbles coming, अगर फिर भी assurity लेना है तो candle लेके जाना, pops out आएगा, okay? अभी question ये आती है, अच्छा ये experiment समझ आ गया, question ये आती है इसमें से पहले कौन सी metal react करेगी, तो उसकी already मैंने series आपको लिखा थी, उस हिसाब से react होगा, magnesium अल्यूमिनियम जिंक आयरन, सबसे कम रिएक्टिविटी है आयरन, है ना, तेरे गोल्ड है क्या, हमने चार ही लिए है, नहीं लेने का है गोल्ड, महंगा बहुत महंगा पड़ता है। तो इतना पानी पिएगा फिर पानी पिएगा फिर टॉयलेट जाएगा, पानी पिएगा टॉयलेट जाएगा, ऐसा चलता है, समझा मैंने क्या समझाया, डू यू अंडरस्टैंड, या पानी पी रहा था, समझा पक्का, एक्सप्लेन कर तू, मेरे को समझा पाओगे बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, हमको पास होना है ना, उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो अब ऐसे फालतूगिरी करते रहोगे क्लास में तो कैसे आगे पहुंचोगे, इसको नेक्स्ट टाइम तुम रीड करके आओगे और मेरे को समझाओगे, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। चलो अभी आप लोग क्या किया नहीं है, हाँ तो कोई बात नहीं, अभी उतना जगह छोड़ दो ना, बेस बन गया ना, घर जाके करना, तुम बोल रहे थे ना घर जाके करेंगे, और मैं इतना आधा उतना, तो क्या प्रॉब्लम है, एक बर्गर बना दो टेक्स्ट बुक में, तो बाप वाले तो फोटो खींचते, हाँ खींचो, मैं डायग्राम कर खींचना मेरा मत लेमिनेट करवाना है घर में से दादा दादी साक्षी
See, metal usually displaces hydrogen from dilute acid. मैम आप थोड़ा स्क्रीन शिफ्ट करोगे तो इट विल बी मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिविंग यू मेटल सॉल्ट. सब जगह प्लस नहीं होता प्लस हाइड्रोजन. ओके सो नाउ मेटल्स react with dilute HCl to give metal fluorides. मेरा टेक्सटबुक में दिया है, टेक्सटबुक में से ड्रॉ कर लेना. मैम पेज नंबर Sneha, unless and until I see your paper, I won't be able to understand better. Chalo, sodium metal. रिएक्शन होगा जल्दी हो जाएगा. तो इसका रिएक्शन देखो बहुत इजी है. रिएक्शन में कौन से फॉर्म में होगा? और फिर उसमें से पानी को इवेपोरेट कर दोगे तो क्या बनेगा? नमक. नाम निकलेगा
इसको ऐसे घुमाना है? हाँ मैम। सोडियम ऐसा पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम साथ में दोनों ही, हाँ दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। एल्यूमिनियम के साथ HCl जब रिएक्ट करेगा, अच्छा HCl जब रिएक्ट करे ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आप सोचो, जैसे अगर एसिड में HCl है तो ये बनाएगा एसिड क्लोराइड्स, है ना। अगर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 हो गया, तो ये बनाएगा मेटल सल्फेट्स, और अगर HNO3 है तो बनाएगा मेटल नाइट्रेट्स। समझ गए एकदम? अभी जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम जो होगा ना वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, क्यों? क्योंकि वो फिर जो है ना उसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वो रिमूव होगी, उसके बाद तुरंत रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा। अब इसको आपको बैलेंस करना है, अच्छा है, अभी जाना नहीं है, टाइम है हमारे पास 56। हाँ मेरे को ना यू नो 5 मिनट ज्यादा बैठना, ठीक है।
बार मत देखो, फटाफट लिखो। अच्छा, आयरन विल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बट इट हैज टू बी कोल्ड। अब ये आयरन प्लस टू है क्योंकि एमपीसीएल टू बन रहा है। अच्छा, कॉपर ना डाइल्यूट HCl के साथ या फिर H2SO के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जो ऑनलाइन बच्चे हैं, जब मैं बोर्ड टर्न करूं तो उसकी फोटो ले लेना। क्या लिखा इधर? मैंने जरा ये फोटो एक बार रिजा में करेगा। अच्छा, इसके बाद कुछ गिव रीजंस है एक्वारीजा इस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। उसके बाद और दो तीन प्रॉपर्टीज है इसकी और फिर सीधा जाएंगे नॉन मेटल। कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा ना, ना डाइल्यूट से ना कंसंट्रेटेड। ठीक है, HNO3 प्लस HCl एक्वारीजिया उसमें डालोगे ना, HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कंसंट्रेटेड वन और कोई भी मेटल उसमें रिएक्ट कर देगा। कॉपर सल्फेट जरूरी थोड़ी ना है कि मैं कॉपर जैसे आयरन के साथ कर दूं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम रिएक्टिंग कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, देयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिससे कॉपर सल्फेट बनेगा, आयरन इधर का उधर ही रहेगा। रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, टर्न कर सकते? हाँ हाँ बोलो बेटा। टर्न कर सकते क्या मोबाइल? एक मिनट आप इसकी फोटो ले लो जो ऑनलाइन है ना, बोर्ड का फोटो ले लो।
डिस्प्लेसमेंट पे भी काम करते हैं, जैसे कॉपर है ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट बना, कॉपर नाइट्रेट इज डिसॉल्वेबल इन H2SO4, तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डायरेक्ट ही होगा नहीं होगा, वही तो रिएक्शन कन्वर्ट करेगा, तो बेटा वो हाईली कंसंट्रेटेड होगा एंड दैट रिएक्शन वुड बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड फादर हैज अ फैक्ट्री ऑफ कॉपर सल्फेट, हां तो मेरे को पता है कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, कॉपर के क्या टाइप्स होते हैं, वो लोग सारा जो भी मतलब राइट फ्रॉम फर्टिलाइजर से लेकर जो भी बनाना होता है ना वो सारे में कॉपर, सो आई नो द इन्फो है ना, और वो शायद कैटलिस्ट भी डाल रहे होंगे या फिर टेम्परेचर होगा की वजह से, हाँ तो एक्सट्रा ये हम नॉर्मल कंडीशन से बात करते हैं, बेटर रूम टेम्परेचर पे आपको, ओके बाय बाय मैम।